इसको भी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, तो हम बेसिकली डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर मैं व्हाइट बोर्ड एक ले लूं, ठीक है, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज के डिजाइन पैटर्न्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल। ठीक है, दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ डिजाइन पैटर्न्स दैट वी डिस्कस। एक क्लासिफिकेशन तो ये है, एक और क्लासिफिकेशन भी है। ये व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। एक क्लासिफिकेशन और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग थे जिनका नाम था गैंग ऑफ फोर, ठीक है, और उस गैंग ऑफ फोर ने क्या किया था कि उन्होंने डिजाइन पैटर्न्स जो है वो प्रपोज किए थे, ठीक है, और उन्होंने 24 मुख्तलिफ डिजाइन पैटर्न्स जो है वो प्रपोज करे। अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, और उनको क्लासिफाई किया कि या तो वो क्रिएशनल होंगे, या वो स्ट्रक्चरल होंगे, या फिर वो बिहेवियरल होंगे। ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स प्रपोज करने के लिए जो लैंग्वेज उन लोगों ने यूज करी, ठीक है, उस लैंग्वेज का इंतखाब जो किया गया वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। वो कौन सी लैंग्वेज थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह यह थी कि उन्होंने कहा कि यार अगर हम प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करते या अगर हम स्ट्रक्चरल लैंग्वेज यूज करते तो शायद हम एक डिजाइन पैटर्न बनाते और उसका नाम होता है एनकैप्सुलेशन। हम एक और डिजाइन पैटर्न बनाते उसका नाम होता है इनहेरिटेंस। हम एक और डिजाइन पैटर्न बनाते जिसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्शन। हम एक और डिजाइन पैटर्न बनाते जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये चारों फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो बिल्ट इन है। हमारे पास इनहेरिटेंस भी है, एनकैप्सुलेशन भी है, एब्स्ट्रैक्शन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, ये आप सबको पता है। तो उन्होंने एक अच्छी लैंग्वेज का, एक लिटरल लैंग्वेज का इंतखाब किया ताकि मजीद नई चीजें क्या हो सके, बन सके। ये बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का इंतखाब क्यों किया गया? इसमें कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। अगर आप लोग डिसेंट तरीके से चले तो माइक म्यूट करने की जरूरत नहीं है, यानी अगर आप मेक श्योर करें कि आपके पीछे कोई आवाज नहीं है, अच्छा है, हमारी क्लास में इंटरएक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है फाइक भाई को? बाकी लोगों को क्लियर है? Yes, clear. तो ये लैंग्वेज सेलेक्ट करी गई जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, ताकि जो चीजें हो चुकी हैं उन चीजों को हम दोबारा ना करें। ठीक है, अच्छा, अब आगे मजीद बात करते हैं डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर। 24 डिजाइन पैटर्न्स जो इन्होंने दिए हमें, उसको इन्होंने एक कैटलॉग की सूरत में दिया। और इस कैटलॉग में इन्होंने कहा कि डिजाइन पैटर्न की हम सबसे पहले इंटेंट बताएंगे किस सिचुएशन में आपको ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज करना चाहिए, वो उसकी इंटेंट है। उसका स्ट्रक्चर देंगे, स्ट्रक्चर में क्या चीज आएगी, स्ट्रक्चर में क्लास डायग्राम आएगा कंप्लीट कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं, उस क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है, पार्टिसिपेंट्स आएंगे, हर क्लास एक पार्टिसिपेंट है। मिसाल के तौर पे एक डिजाइन पैटर्न में अगर 5 क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं तो उस डिजाइन पैटर्न में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। और उनके क्या क्या नाम इन्होंने प्रपोज करे हुए, खैर हम अपने सिस्टम में तो नाम चेंज कर लेंगे, लेकिन हमें पता होगा कि कौन सी क्लास कौन सा रोल प्ले कर रही है एक डिजाइन पैटर्न की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो कुछ उसके पार्टिसिपेंट्स आएंगे, कोलैबोरेशन आ सकती हैं, सबने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स पढ़ा हुआ है, सही है,
तो यहां पर कोलैबोरेशन से क्या मुराद है? कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि कौन कौन सी क्लास कोलैबोरेट करेगी, कम्युनिकेट करेगी, किस तरह से कम्युनिकेट करेगी कि वो डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस डायग्राम जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सीक्वेंस डायग्राम भी अक्सर दे दिया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। सबको सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम याद है ऊंट के? यस सर। ठीक है, तो वो चीज इधर आ रही होगी। इसके बाद एक केस स्टडी आएगी जिसमें वो बताएंगे कि इस डिजाइन पैटर्न को हम किधर यूज कर रहे हैं, और फाइनली वो उसका सूडो कोड देंगे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश या सूडो कोड आ रहा हो या सोर्स कोड कह देते हैं हम। सही है, आप क्लास एजेंडा बता रहे हैं जो आज आप कवर करेंगे ये? नहीं, गैंग ऑफ फोर चार हजरात थे जिन्होंने डिजाइन पैटर्न्स प्रपोज करे। उन्होंने डिजाइन पैटर्न्स को क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया और कुल मिला के 24 डिजाइन पैटर्न्स प्रपोज करे, जिनमें से कुछ क्रिएशनल थे, कुछ स्ट्रक्चरल थे और कुछ बिहेवियरल थे। हर डिजाइन पैटर्न का उन्होंने एक कैटलॉग बनाया और वो कैटलॉग के अंदर ये चीजें थी। कैटलॉग के अंदर ये चीजें थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसकी इंटेंट के रीजन क्या है उसको यूज करने का, उसका स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स यूज होंगे, कौन कौन सी क्लासेस यूज होंगी, हर क्लास का रोल क्या होगा, किस तरह से वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये कोलैबोरेशंस में आएगा। एक रियल वर्ल्ड की केस स्टडी दे दी जहां पे वो यूज हो सकता है डिजाइन पैटर्न, और उसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया। सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया, अब इस सोर्स कोड को आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप चाहे C++ में इंप्लीमेंट कर लें, आप चाहे जावा में इंप्लीमेंट कर लें, आप चाहे C# में इंप्लीमेंट कर लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये डिजाइन पैटर्न्स आसानी के साथ इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जी, कोई सवाल तो पूछें। नो सर। और किसी का कोई सवाल इसके अलावा? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। पक्का? तो डिजाइन पैटर्न्स इटसेल्फ एक मिनी सॉफ्टवेयर है, सही है ना? एक एल्गोरिथम नहीं है। एल्गोरिथम तो एक क्लास के किसी एक मेथड के अंदर अकोमोडेट हो सकता है। समझ में आ रही है बात? मैंने एक क्लास बनाई, उसमें किसी भी एक मेथड में मैंने एक एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन यहां पर एक डिजाइन पैटर्न में बहुत सारी क्लासेस हैं, हर क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स हैं, और वो सारी क्लासेस मिलकर जो कम्युनिकेट करती हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो फिर हमें एक डिजाइन सॉल्यूशन मिलता है। वो डिजाइन सॉल्यूशन हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और उस प्रॉब्लम को खत्म करता है। इसको रिव्यू करें, इसमें कोई सवाल आता है आपके जहन में तो मुझसे पूछें। आपकी कोर्स आउटलाइन शेयर हुई हुई है LMS के ऊपर, सब लोग उसको डाउनलोड करें, देखें, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें, चाहे तो अभी डाउनलोड कर लीजिए लॉगिन करके। आपके सारे टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो भी सारी जो है वो आउटलाइंस डालें, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी आउटलाइन आपके LMS पे आ रही होगी जिस कोर्स में भी आप रजिस्टर्ड हैं, सही है? अगर नहीं आ रही तो मुझे बताइए, तो मैं फिर देखूंगा कि वो क्यों नहीं आ रही। जी, यहां तक कोई सवाल? आपने जो collaborations की बात की, जो different classes आपस में collaborate करती हैं, sir, how do we know that कि कौन सी class किस तरह किसी और के साथ क्या collaborate करेगी? मतलब हमको कौन सी class को किसके साथ collaborate करवाना है? How do we know का मतलब क्या है? हम तो कोई भी अगर design pattern उठाएंगे, मिसाल के तौर पे मैंने एक design pattern उठाया
और उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर मैंने कहा कि यार मेरे पास चार पार्टिसिपेंट्स हैं, ए बी और सी और डी। ए बी सी डी क्या है, चार क्लासेस हैं, सही है। और फिर मैं कहता हूं कि ए बी से कम्युनिकेट करेगा, बी डी से कम्युनिकेट करेगा, डी ए से कम्युनिकेट करेगा, इस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो तीन बातें मैंने कही कि ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है और डी ए से कर रहा है, तो ये तीनों क्या हुई, ये कोलैबोरेशन हुई। इन तीनों ने मैसेज पासिंग करी तो हमें क्या मिल गया, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, सही है। तो कौन सी क्लास किससे कम्युनिकेट कर रही है, ये हम किसमें बताएंगे, ये हम कोलैबोरेशन से बताएंगे। और ये हमें पता है कि कम्युनिकेट करने के लिए उसको क्या चाहिए, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए होता है जी, बताइए कौन बताएगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें दो तीन क्लासेस हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो क्लासेस को कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है। नहीं, कम ऑन, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कहां से आ गया बेटा, कंस्ट्रक्टर तो एक क्लास के अंदर होता है। और कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, कंस्ट्रक्टर का रोल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सर ऑब्जेक्ट और पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट और पैरामीटर्स किसके होते हैं, मेथड्स के होते हैं। हां, मेथड क्या कंस्ट्रक्टर के होते हैं, मैं तो ये नहीं पूछ रहा, मेथड या कंस्ट्रक्टर तो चाहे जितने हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूं, हाँ ये बिलाल ने देखो जवाब दे दिया ना, कनीज ने भी जवाब दे दिया। दो क्लास, तुम लोग माइक पे क्यों नहीं बोलते हो बेटा, मैं चैट्स बाद में देख रहा होता हूँ, मुझे कुछ सांस आ जाती है जब जवाब नहीं आ रहा होता है ना, तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है। दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करे। अगर उनके दरमियान रिलेशनशिप है वो सिर्फ तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है सबको, इधर कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। क्लियर है, वेरी गुड। तो वी नीड अ रिलेशनशिप टू कम्युनिकेट, विदाउट रिलेशनशिप्स द क्लासेस cannot communicate with each other, ठीक है ना। अब वो relationship क्या होगी, ये आप लोग already सब पढ़कर आए हैं, सही है। और आपको पता है कि relationships हमारे पास, बताइए, association है, aggregation है, aggregation में we have got two options, we can have aggregation by reference or we can have aggregation by value. Aggregation by value is also known as composition or it is also known as containment. ठीक है जी, तो एग्रीगेशन में ये ऑप्शंस आ गए। इसके अलावा हमारे पास डिपेंडेंसी है, वैसे तो इन चारों के अलावा भी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है, एसोसिएशन क्लास है, लेकिन उसकी यूसेज हमें डिजाइन पैटर्न्स में इतनी नहीं मिलती। डिजाइन पैटर्न्स में हमें डिपेंडेंसी या एग्रीगेशन की यूसेज ज्यादा मिलेगी, एसोसिएशन की यूसेज भी इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां तक कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछें। तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रिलेशनशिप्स चाहिए। क्या चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए।
और वो रिलेशनशिप्स एसोसिएशन एग्रीगेशन, चाहे वो एग्रीगेशन बाय रेफरेंस हो, चाहे वो एग्रीगेशन बाय वैल्यू हो, चाहिए या फिर डिपेंडेंसी के थ्रू हमें मिलेगा। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे। Any question that comes to your mind, please ask. जी भाई, कोई सवाल? No, sir. बाकी सबका भी कोई सवाल है? एक दो बच्चे ही बोल रहे होते हैं। खातून की आवाज आ रही होती है, किस बच्चे की आ रही होती है? बाकी लोग क्या है, आप लोग बस माइक नहीं? हेलो हेलो सर। जी बोले। जी हजरत फरमाइए। हेलो हेलो कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ मुझे आ रही है आवाज बेटा, आप बोलो। सर एक क्यूरी थी, वो ये कि हम जो आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में जो हम पढ़ के आए हैं सर, सारे रिलेशन और स्ट्रक्चर्स वगैरह और इस तरह प्रोटोटाइप की कैटेगरीज और ये सब, सर डिजाइन पैटर्न में उससे क्या डिफरेंट है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? ओके फाइन। डिजाइन पैटर्न्स में सारे रिलेशनशिप्स इंप्लीमेंट हो रहे होंगे अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स में, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज करेंगी तो आपको नजर आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर डिपेंडेंसी, इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? अगर आप कोई और डिजाइन पैटर्न उठाएंगी तो उसमें कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल हो रहा है इनहेरिटेंस के साथ। तो यहां पर हमारा काम रिलेशनशिप्स को पढ़ना नहीं है, रिलेशनशिप्स को हम सिर्फ रिव्यू करेंगे। यहां पर हमारा काम यह है कि कौन सा डिजाइन पैटर्न किस सिचुएशन में यूज होता है, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी क्लासेस होती है, पार्टिसिपेंट से बता दिए, और उसका कोड किस तरीके से लिखा जाता है, और किस सिचुएशन में हम ये वाला डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन से कंपेयर करना चाह रही है तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। ओके सर, ठीक है। और कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन? अच्छा सवाल था ये, जिनको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कोर्स कैसे मुख्तलिफ है ऊट से, तो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊट में हमारा मकसद क्या था? ऊट में हमारा मकसद यूएमएल को सीखना था, यहाँ पे हमारा मकसद ये है, ठीक है? दो मिनट होल्ड करेंगे हमारा। सर कल क्लास की टाइमिंग्स क्या हैं?
जी बेटा सॉरी मैं सुन नहीं पाया था, मेरा एक फोन आ गया था। जी बोले आप क्या कह रहे थे, किस किसी की आवाज आई थी सवाल के लिए ना, कौन था वो? सर मैं कल क्लास की टाइमिंग्स पूछ रही थी। बेटा ये 3 to 6 में होंगी ना टाइमिंग रोजाना, माय क्लास 3 to 6 है। सैटरडे संडे, सैटरडे एंड संडे सही है, 3 to 6। सर कल कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी है। तो मत देना क्लास, मत देना कॉम्प्रिहेंसिव दे देना बेटा। जी आपको इन्फॉर्म करना। किस टाइमिंग के अंदर है? 2 to 4। 4 बजे आ जाना, कोई मसला नहीं। जी सर लेकिन एलएमएस में जो टाइमिंग लिखे हुए हैं वो 3 to 4:15 लिखे हुए हैं। 3 to 4:15। अबे 1 घंटा 50 मिनट की कैसे क्लास होगी, क्या हो गया? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सर, एलएमएस पे लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ है बेटा, गलत लिखा हुआ है, अंडरस्टूड बात है ना। एचईसी की रिक्वायरमेंट है, हम लोग इधर-उधर नहीं कर सकते। एचईसी ने आपके ऊपर ये रूल बना दिया है कि 3 घंटे की क्लास होगी और मैक्सिमम ब्रेक आप 20 मिनट का लें। 20 मिनट का ब्रेक एलएमएस। हां बोले LMS पे मिसिंग है, सेकंड सेशन मिसिंग है, सिर्फ एक सेशन की टाइमिंग है। और 20 मिनट के ब्रेक के अंदर भी हमने 20 मिनट का ब्रेक इसलिए दिया हुआ है कि बच्चे लेट आए और टीचर अगर इधर उधर हो जाए तो मैक्सिमम आधे घंटे से ऊपर का ब्रेक ना हो। वी नीड टू कवर 150 मिनट्स फॉर एवरी क्लास। बेहतर है कि 160 मिनट्स कवर हो, लेकिन अगर 150 भी हो तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, इससे कम नहीं होना चाहिए ना। तो ये बेसिक रूल है।